ज़माना गुज़र गया, वक्त गुज़रता जा रहा है, मकान और ज़मान की दूरी जो है वो इमाम से दूर नहीं कर सकती। आज कई सौ साल गुज़रने के बाद भी सैयदुश्शहदा अलैहिस्सलाम का गम तरोताज़ा है। जब भी हम मजलिस में आते हैं और गिरिया करते हैं, वो बात कि जो हम बचपन से सुन रहे थे, बचपन से और कई सालों से, और एक साल में भी कई दफ़ा, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे ये बात अभी हुई है, जैसे ये ज़ख़म अभी ताज़ा है, जैसे घर सैयदा का अभी उजड़ा हो। तो ये क्यों है? इसमें मेरा कोई आपका कमाल है? क्या मैं और आप कोई ऐसा नेक काम करते हैं जिसकी वजह से हम इस बात तक पहुंच पाते हैं? नहीं, ये सैयदुश्शहदा का कमाल है जो उन्होंने 61 हिजरी में खुदा की बारगाह में सजदा किया, भूख और प्यास के साथ तपते हुए दश्त में। ये उस सजदे ने आज बशरियत को कमाल पे पहुंचाया हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर बग़ैर रंगो नस्ल के, बग़ैर ज़बान, बग़ैर शहरों मुल्कों के हदूद के, एक ही नाम है जो आज सबकी लबों पे जारी है। चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी जगह हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर जगह सिर्फ या हुसैन, या हुसैन है। ये इस एक नाम में खुदा ने क्या रखा है कि इंसान अभी अदा करता नहीं, आंखें कोशिश करती हैं कि नम हो जाएं। तो ये मेरा आपका कोई कमाल नहीं, ये उनका अपना